हेलो दोस्तों, मैं आपका अजय और आप देख रहे हैं विको फिटनेस। आज मैं आपको एक बिगिनर फ्रेंडली एक्सरसाइज दिखा रहा हूँ, वो है इन्वर्टेड रो। और यहाँ पे इन्वर्टेड रो पे बहुत सारे ऑप्शंस भी है इन्वर्टेड रो में, मगर यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको टीआरएस इन्वर्टेड रो। टीआरएस होता है ये सस्पेंशन भी इसको बोलते हैं, इसको टीआरएस इसमें आप कर सकते हो तो टीआरएस रो बोलते हैं। और इसमें बहुत सारे वेरिएशन भी है टीआरएस में, कंप्लीट बॉडी वर्कआउट भी कर सकते हो, बहुत एक्सरसाइज भी आप कर सकते हो इसमें। अगर ये अगर आप कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो, या अगर आप घर में हो तो घर में भी आप यूज कर सकते हो, बहुत सारे एक्सरसाइज आप परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ बिगिनर फ्रेंडली एक्सरसाइज, वो इन्वर्टेड रो है, वो आपका बैक मसल्स के लिए। और बैक मसल यहाँ पे प्राइमरी मसल है, और शोल्डर बाइसेप्स और फोरआर्म्स भी यहाँ पे सेकेंडरी मसल से वर्क होता है। तो फोरआर्म्स से वर्क होता है इसलिए आपका ग्रिप स्ट्रेंथ भी ज्यादा होता है इसमें। और इसमें तो आपका वेट आप कंसिडर करेंगे, आपका बॉडी वेट ही कंसिडर करेंगे, ये पूरा बॉडी वेट एक्सरसाइज है। इसमें आप क्या क्या एक्सरसाइज आप परफॉर्म कर सकते हो वो पूरा आपका बॉडी वेट पे ही डिपेंड होता है, और बॉडी वेट एक्सरसाइज भी आप यहाँ पे कर सकते हो। आपको इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा वेट्स का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, और इसको आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हो। आपको एक इसको परफॉर्म करने में आपको एक थोड़ा सा हुक चाहिए, वो इसको फिक्स करना चाहते हो, बेल्ट में लगा के आप वर्कआउट करना चाहते हो, आपको ये देखना है वो स्टेबल है कि नहीं, आप स्ट्रेंथ ले आओ आपका वेट वो लेता है कि नहीं, वो देख के ही आपको लगाना है। और सभी एक्सरसाइज जैसा मैं इसमें ऐसे ही है, आपको फॉर्म मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैं पूरा की पॉइंट्स आपको बता के एक्सप्लेन करके आपको फॉर्म भी आपको अच्छे से सिखा दूंगा। और यहाँ पे अगर मान लो आप फॉर्म अच्छे से नहीं कर रहे हो, आपको वर्कआउट भी नहीं होगा, उसके अलावा आपको इंजरी भी हो सकता है, इसलिए फॉर्म को आपको अच्छे से देखना है, वीडियो अच्छे से देखो, आपको अंडरस्टैंड करना है कैसा करना है, फॉर्म आपको अच्छे से देखना है कैसा करना है, उसके बाद आपको ये परफॉर्म करना है। और ये इजी है, तो कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, आप ये ट्राई कर सकते हो। चलिए अभी सिखा दूंगा कैसा करना है। चलिए मैं यहाँ पे फिक्स करूंगा अभी, और यहाँ पे मैं आपको बोला क्या आपको देखना है फिक्स करने से पहले, अगर ये आपको वेट लेता है कि नहीं आपको देखना ही है, वरना आपको इंजरी हो सकता है, आप कर सकते हो। और इसको अगर आप जिम में हो तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप आराम से कर सकते हो। अगर आप घर में हो तो आपको थोड़ा उसको देखना पड़ेगा, अगर आप ग्रिल में फिक्स कर सकते हो, आप विंडो का ग्रिल में फिक्स कर सकते हो, वरना आप डोर पे फिक्स कर सकते हो। और कुछ भी हो जाए आप कहीं पे फिक्स करने से पहले आपको वो देखना है, अगर वो वेट आपका लेता है कि नहीं आपको देख के करना है। और यहाँ पे फॉर्म में बता रहा हूँ अभी, और यहाँ पे आप इसको थोड़ा हार्ड भी कर सकते हो, और ये भी एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको हार्ड कैसे करना है, आपको आपको अगर आप लेग्स को आगे ले रहे हो तो आपको हार्ड लगेगा, हार्ड हो जाएगा पूरा बॉडी, आपको वेट आ जाएगा। अगर आप बिगिनर हो, अगर बिगिनर फ्रेंडली आपको बता रहा हूँ, पर यहाँ पे इतना आपको रखना है, इतना ही काफी है आपको। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या क्या की पॉइंट याद रखना है, आपको आपको बॉडी स्ट्रेट रखना है, आपको ऐसा नहीं रखना है, आपको बॉडी स्ट्रेट रखना है, आपको ग्लूट को स्क्वीज करना है, और आपको कोर मसल को आपको एंगेज करना है, और तीन हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ये तो अच्छे से पकड़ना है, आपको अगर लूज पकड़ रहे तो आप कर सकते हो, इसको अच्छे से पकड़ना है, उसको अच्छे से पकड़ रहे तो आपका ग्रिप स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे और भी है, और यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है, और यहाँ पे इसको खुल कर रहे तो आपको शोल्डर को आपको ऊपर नहीं लेना है, अगर शोल्डर ऊपर रहेगा पूरा शोल्डर में आता है, आपका बैक मसल स्क्वीज नहीं होता, आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं बैक मसल के लिए। और यहाँ पे बैक मसल में बताया था, बैक मसल है प्राइमरी मसल है, और शोल्डर बाइसेप्स और फोरआर्म है वो सेकेंडरी मसल है, इसलिए आपको क्या करना है, अगर इसमें भी आप और एक टेक्निक पे आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको शोल्डर को आपको स्क्वीज करना पड़ेगा, पहले से आपको बैक को थोड़ा स्क्वीज करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पुल करना पड़ेगा, ताकि आपका पूरा वेट आप बॉडी वेट आप क्या पुल करोगे पूरा आपका बैक में ही आ जाएगा, वरना आप यहाँ से डायरेक्टली आप स्टार्ट कर सकते हो। थोड़ा पुल करके पहले, उसके बाद आप कर सकते हो, वरना आप डायरेक्टली कर सकते हो। और यहाँ पे और की पॉइंट्स है, आपको पुश करने को तभी जस्ट अप रखना है, ऐसा नहीं रखना है आपको, आपको लोअर बैक का टेक रखना है, ठीक रखना है, आपको बैक साइड रखना है, जस्ट को अप रखना है। और यहाँ पे आपको एल्बो लाइन आपको शोल्डर लाइन को क्रॉस नहीं करना है, यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे क्रॉस करेगा तो ऐसा लगेगा, अगर क्रॉस कर रहे हो तो आपका ज्यादा शोल्डर में आएगा, आपका बैक में नहीं आएगा, इसलिए आपको क्या करना है,
कुछ क्रॉस नहीं करना है, इसको इनलाइन में रखना है आपको, और लोअर बैक को सॉरी अपर बैक को आपको स्क्वीज करना है, उसके बाद आपको वापस आना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, ब्रीदिंग विदाउट आपको कैसे करना है आपको, और आप वापस आना क्योंकि आपको ब्रीदिंग करना है, और ऊपर आने का ऊपर जाने का आपको फुल करने का आपको स्टैंड होता है उसको यूज करके भी आप कर सकते हो, उसके बारे में सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। और ये है मगर वो बार सब कुछ आप कहीं भी कैरी नहीं कर सकते हो, अगर टीआरएक्स हो तो आप कैरी कर सकते हो। और इसमें आप एडवांटेज क्या है इसका, अब इसमें आप पूरा बॉडी वर्कआउट भी कर सकते हो, मैं उसके बारे में कंप्लीट वीडियो भी बनाऊंगा। सो चलिए आज के लिए इतना ही है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा सब्सक्राइब करो, जाना कंसल्ट करना मत भूलो, और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल देन स्टे फिट स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी, बाय।